और दादा पिग पेपा और उसके परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। मैंने और थोड़े आलू निकाले हैं। ओ दादा, हमारे पास पहले से ही काफी आलू हैं। आलू कभी भी ज्यादा नहीं होते। ठीक है, आलू अवन में डालिए, सब लोग अब आते ही होंगे। हमारे पास बहुत वक्त है, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। पेपा और उसका परिवार रास्ते में है। हमें जल्दी निकलना चाहिए था, हम फिर से लेट होने वाले हैं। चिंता मत करो मम्मी पिग, हमारे पास बहुत वक्त है। हम दादी पिग और दादा पिग के यहाँ हमेशा लेट ही पहुँचते। इस बार नहीं, मुझे एक नया रास्ता मिला है जिससे हम ट्रैफिक को टाल सकते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था। पेपा और उसका परिवार ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। देखो वो रहे डैनी डॉग और दादा डॉग। डैनी डॉग और दादा डॉग भी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। हेलो पेपा। हेलो पेपा। हम मेरे दादी और दादा के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, पर हम लेट हो रहे हैं। एक बज गया है, देखो वो हमेशा की तरह लेट हो गए हैं। आलू पके हैं कि नहीं? इन्हें थोड़ा और पकने की जरूरत है। दादी पिग बोल रही हूँ। हेलो दादी पिग, हम ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। कोई बात नहीं, हमारी भी तैयारियाँ चल रही हैं। दादा आलू बना रहे हैं, मिलते हैं। वो सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। लगता है मेरे पास और ज्यादा आलू लाने के लिए वक्त है। आप भी ना। हम बहुत धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पापा सही कह रही है, हमें अलग रास्ते से जाना होगा। पर और कोई मेन रोड नहीं दिख रहा है। मैं एक शॉर्टकट जानती हूँ। बाय बाय, हम शॉर्टकट ले रहे हैं। बाय बाय पापा। गुड लक। ट्रैफिक से बचने के लिए मम्मी तो एक शॉर्टकट ले रही है। शॉर्टकट बहुत उबड़ खाबड़ है। बहुत मजा आ रहा है। क्या हम सही जा रहे हैं? मुझ पर यकीन करो। हेलो दोस्तों, हम शॉर्टकट ले रहे हैं। देखो ये आ गया मेन रोड। शाबाश मम्मी पिग। पर हम अभी डैनी डॉग के पीछे ही है। ओहो, मम्मी पिग के शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा है, लंच तैयार है। और सबसे बड़ी बात, आलू भी पक गए हैं। खाना तैयार है, पर पेपा और उसका परिवार अभी तक नहीं पहुंचे। दादा पिग बोल रहा हूँ। हम लगभग आपके घर तक पहुंच गए हैं, पर ट्रैफिक बिल्कुल कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ही सुस्त कछुए की तरह। वो पहुंच ही रहे हैं, पर ट्रैफिक जाम में अटके हुए हैं। बेचारे, खाना तो ठंडा हो जाएगा ना। मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपना ठेला लेकर आता हूँ। दादा पिग क्या कर रहे हैं? दादी पिग, सारा खाना ठेले में भर दो। जैसा आप कहे दादा पिग। अगर वो खाने पर नहीं आ सकते तो हम खाना उनके पास लेकर जाएंगे। देखो वो रहे दादी पिग और दादा पिग, वो हमारा खाना यही ला रहे हैं। हेलो हम आ गए, चलो खाना खा लो। क्या डैनी और दादा डॉग के लिए भी खाना मिल सकता है? हमारे पास सबके लिए खाना है। अच्छा किया दादा, ये तो बहुत सारे आलू हैं। आलू कभी भी ज्यादा नहीं होते।